नमस्कार, दोपहर की नंबर वन डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। हिंदुत्व और सनातन बीजेपी का कोर एजेंडा है और इसके साथ भगवादारी पार्टी किसी तरह का समझौता नहीं करती, और इसी भगवादारी पार्टी के खिलाफ मुंबई में दो दिन पहले इंडिया गठबंधन एक बैनर तले एकजुट हुए और 2024 की लड़ाई लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस बैठक के बाद ही इंडिया गठबंधन के घटक दल डीएमके ने सनातन पर सीधा सीधा हमला किया। वो सनातन धर्म जिसको देश में 80% से अधिक लोग मानते हैं, लेकिन डीएमके ने तमिलनाडु में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी के कोर वोटर यानी हिंदुत्व पर अटैक कर गठबंधन के दूसरे दलों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। अब ऐसे में सवाल यहां पर यह कि जिस हिंदुत्व के पिच पर 2014 से बीजेपी चौके छक्के लगाकर 300 के आंकड़ा पार कर चुकी, वहां पर डीएमके की एक गलती बाकी सदस्यों को क्या भारी पड़ने वाली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद बात करें। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை வந்து நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா, இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். ஜிஸ் தேஷ் கி 80% ஜனதா சனாதன் கோ மானதி ஹை, உசி தேஷ் கி தர்த்தி பர் சனாதன் கி துல்னா மலேரியா, கொரோனா ஜைசி பிமாரி சே கர்னே ஔர் உசே கத்ம கர்னே கி பாத் கர் ரஹே யே சாஹப், தமிழ்நாடு கி கேல் மந்திரி ஔர் வர்த்தமான் மே முக்கியமந்திரி எம் கே ஸ்டாலின் கி பேட்டே உதயநிதி ஸ்டாலின் ஹை. உதய் ஸ்டாலின் கி ஏக் ஔர் பஹச்சான் ஹை, वो डीएमके के सदस्य हैं और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एम करुणानिधि के पोते हैं। लेकिन एक दिन पहले ही मुंबई में मोदी के खिलाफ जीत का दावा करने वाले इंडिया गठबंधन के लिए डीएमके के इस कद्दावर मंत्री ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि सनातन पर चोट बीजेपी और संत समाज को मंजूर नहीं है। तो कहां सनातन तो नित्य निरंतर है, ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है, ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं। इंडी अलायंस का भारत विरोधी और हिंदू विरोधी चेहरा आज साफ तरीके से उजागर हो चुका है। क्या यही मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी? और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। इनके गठबंधन से समाजवादी पार्टी का अभी बयान आया था कि हिंदू धर्म धोखा है। इनके पार्टी से आरजेडी का किस प्रकार का बयान आता है वो भी हमने देखा है। हम क्यों नहीं माने कि विपक्ष अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो अब अभी जब हिंदू सनातन पे इस तरह से तीखी टिप्पणी कर रहे हैं और अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, तो जब बनने के बाद तो हिंदू सनातन के खिलाफ जो है पूरी तरह एजेंडा लाएंगे। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता, चाहे खेल मंत्री उदय निधि के साथ अनेकों आ जाए तब भी। 2024 से ठीक पहले सनातन धर्म पर उदय निधि स्टालिन ने सीधा हमला क्यों बोला, वो भी तब जब मुंबई में इंडिया गठबंधन के अधिवेशन में यह तय किया गया था कि गठबंधन बयानों को लेकर सतर्कता बरतेंगे। उससे पहले डीएमके को समझिए जिसका नेतृत्व उदयनिधि स्टालिन करते हैं। दरअसल ये वही डीएमके पार्टी है जिसका 1949 में तमिलनाडु के सामाजिक समानता के नाम पर हिंदू धर्म के विरोध के लिए जन्म हुआ था। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि द्रविड़ प्रगति संघ, जिसका मूल मंत्र ही हिंदू अथवा सनातन का विरोध है। यही वजह है कि एक तरफ जहां मुंबई में इंडिया गठबंधन 2024 में जीतने और मोदी को हराने के दावे कर रहा है, तो वहीं सहयोगी दल डीएमके तमिलनाडु में हिंदू विरोध के साथ अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहा है। और इसी वजह से बयान के बाद उदय स्टालिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फिर जले पर नमक छिड़कते हुए लिखा कि मैं किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं, हम ऐसी भगवा धमकियों से डरने वाले नहीं है। आगे लिखा, मैं आज, कल और सदैव यही कहूंगा, द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प रत्ती भर भी कर्म नहीं होगा। दक्षिण भारत में द्रविड़ बनाम सनातन की लड़ाई कितनी ताकतवर है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कांग्रेस के कद्दावर और पूर्व गृह मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम भी इस सियासी लड़ाई में कूद पड़े हैं। कार्ति चिदंबरम ने पोस्ट करते हुए लिखा,
कि तमिलनाडु की आम बोलचाल में सनातन धर्म का अर्थ जाति आधारित समाज है। ऐसा क्यों है कि हर कोई जो सनातन धर्म की वकालत कर रहा है वो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से आता है। एक दिन पहले ही मोदी के खिलाफ एकजुटता का झंडा बुलंद करने वाले इंडिया गठबंधन के लिए उनके ही सहयोगी दलों के इस तरह के बयान ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लिहाजा कुछ ने तो बयान से किनारा कर लिया तो कुछ सनातन के सम्मान की बात कह रहे हैं। कांग्रेस की भूमिका हमारी स्पष्ट है, किसी धर्म के बारे में चेष्टा करना, किसी की भावनाओं को दर्द देना, ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है उसी भूमिका को लेके चलते हैं। हम किसने क्या बोलना वो हमारे हाथ में थोड़ी। हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों सीवर में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। लेकिन 2024 के बाद से अब इस लड़ाई ने सियासी और वोट बैंक का रंग ले लिया है। सवाल इस बात को लेकर है कि जब लड़ाई सनातन की कट्टर समर्थक बीजेपी से है तो फिर सनातन का विरोध करके 2024 में इंडिया गठबंधन जीत कैसे हासिल कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो देखिए, जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाएंगे, बात भी करेंगे, लेकिन आपको यह बताना जरूरी है कि आज ये नंबर वन डिबेट दोपहर की क्यों कर रहे हैं। डीएमके के उदय स्टालिन का सनातन पर विवादित बयान, वो हमने आपको पूरा दिखाया। सनातन की तुलना मलेरिया, कोरोना, डेंगू जैसी बीमारी से वो करते नजर आ रहे हैं। और उदय ने सनातन धर्म को खत्म करने का एक एजेंडा बताया। कांग्रेस ने उदय स्टालिन के बयान से किनारा कर लिया कांग्रेस। और बीजेपी ने सनातन का नरसंहार का प्लान इसको करार दिया है कि ये जो बयान दिया है। उदय स्टालिन के बयान से साधु संत बेहद नाराज है, आक्रोशित है। और यही मुद्दा है जिस पर आज हम बात करने वाले कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनको हम आपसे मिलवाते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ में खुशबू सुंदर जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ी हुई हैं। आर राजगोपालन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक, और लोकेश जिंदल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश जिंदल जी, चूंकि आप इंडिया गठबंधन में सभी लोग आप लोग साथ में हैं और एक सवाल बीजेपी उठा रही है, मोहब्बत की बात की जाती है, मोहब्बत की दुकान की, तो मोहब्बत की दुकान में तो सबको साथ में लेकर चलते हैं। अब सनातन पर ऐसा प्रहार हो रहा है, आप लोग यहाँ पर शांत हैं, कुछ तो कहना चाहिए ना आपको। हिमांशु जी, बहुत खेदजनक है इस तरह का बयान देना किसी भी सार्वजनिक मंच पर, किसी भी धर्म के लोगों का मन दुखाना, ये कांग्रेस को कतई बर्दाश्त नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हिंदू दल इस्लाम के विरोध में ना कहे तो हम ये भी कहते हैं कि कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ ना बोले। सही बात। तो मैं बिल्कुल भी इस बयान की निंदा करता हूं और ऐसा अपील करता हूं कि जब हम कहते हैं कि राजनीति से धर्म को अलग किया जाए, इसका यही अर्थ है कि ऐसे बयान ना दिए जाए जिससे किसी भी धर्म समुदाय की भावनाओं को आहत हो, ठेस पहुंचे। तो मैं कहूंगा इस पे स्पष्ट तौर पर कि इस तरह के बयान को कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से नकारती है। ये लोकेश जिंदल जी, आप खुलकर कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप टाइम्स नाउ भारत के मंच पर कांग्रेस की तरफ से खुलकर कह रहे हैं कि आप इस बयान की निंदा करते हैं और खेद जताते हैं, लेकिन आपके आलाकमान की तरफ से, जो ऊपरी नेतृत्व, उनकी तरफ से भी क्या खुलकर विरोध किया जाएगा इस पर? हिमांशु जी, देखिए, यह जो भी टिप्पणी दी गई है ये व्यक्तिगत तौर पर दी गई। स्टालिन साहब ने कह दिया है कि वे लीगल एक्शन फेस करने के लिए तैयार है, तो अभी ये उनका व्यक्तिगत मत है। भारत के संविधान के तहत हर व्यक्ति अपना व्यक्तिगत मत रख सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता। ठीक है, आप ये कह रहे हैं व्यक्तिगत मत है, लेकिन राहुल लाल जी मुझे एक बात बताइए कि जब एक गठबंधन के तौर पर 10 नेता या फिर बहुत सा एक समूह यहां पर मिलता है, उनमें से एक इस तरह की बयानबाजी देता है, मंच से बयानबाजी देता है, तो वहां पर क्या सबके नजरिए से नहीं इसे देखते हैं? क्योंकि लोग तो यही समझेंगे कि भैया ये तो इस गठबंधन से है, एक जना ऐसा बोल रहा है, तो यानी सबकी यही सोच होगी। हिमांशु जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि आजकल हम लोग शब्दार्थ पे बहुत ज्यादा जाते हैं, किसी मामले के भावार्थ में जाने का प्रयास नहीं करते। अभी आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि तमिलनाडु में एक तरह से देखिए समानता संबंधी आंदोलन पेरियार के समय से ही काफी जोरदार वो आंदोलन की स्थिति रही, और पेरियार एक तरह से बहुत बड़े समाज सुधारकों में उनकी गिनती रही है। तो वैसे स्थिति में
यहाँ पे उनके बयान के कुछ शब्द जरूर जो है कि गलत है, वो उस रूप में उनको प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, लेकिन मूल भावार्थ ये है कि जो कई तरह की कमियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है। आज हमारा समाज जाति आधारित समाज बना हुआ है, अभी भी जो है कि दलितों को मंदिर में प्रवेश करने पे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अच्छा। उनको वो मंदिर में जाते हैं तो उनको प्रवेश नहीं मिलता है। हाँ। अभी हम लोगों ने देखा था मध्य प्रदेश में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है कि दलित के ऊपर जो है कि वो क्या कर रहे थे। अच्छा राहुल लाल जी, यानी इंटेंशन उनका ऐसा नहीं था, आप ये कह रहे उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था। नहीं, उनका इंटेंशन जो मैं समझ पा रहा हूँ, देखिए अभी आपने सुनाया, मैं सुन रहा था आरजेडी के जो है कि नेता का बयान कि भाई आप कबीर दास के पंक्तियों को किस रूप में देखेंगे, जब वो कहते हैं उनके तमाम बयान चाहे वो हिंदू धर्म को लेकर बयान हो या मुस्लिम धर्म को लेकर बयान हो, वो एक तरह से धार्मिक जो कुरूतियां आ जाती है। देखिये सनातन तो विशुद्ध सनातन सबसे पवित्र चीज है, मैं सनातनी हूँ, काफी गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं सनातनी हूँ, लेकिन जो सनातन में आज के समय में जो कमियां आई हुई है जिसके ऊपर भीमराव अंबेडकर ने अपनी बड़ी टिप्पणियां कही। ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन राहुल लाल जी जब एक बार बताइए, जब एक बात को लेकर विवाद हो रहा है, सनातन शब्द को लेकर विवाद हो रहा है, डेंगू मलेरिया भी आप उसे बोल रहे हैं, लेकिन जब आप दूसरा ट्वीट करते हैं तो उसमें भी वो कहते हैं कि यहां पर मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, आज कल और सदैव यही कहूंगा कि द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प प्रतिबर भी कम नहीं होगा। आप समझा सकते थे, आप बता सकते थे लोगों को कि मेरी भावना कुछ और है, लेकिन आप खुलकर फिर ये कह रहे हैं, उसका क्या मतलब? मुझे लग रहा है कि वो जो कहना चाह रहे हैं सनातन के विशुद्ध रूप की वापसी और जो अभी उसकी विकृतियां उसको हटाने के संदर्भ में। देखिए वो तो उनका बयान है, लेकिन जो उनके बयान को मैं समझ पा रहा हूँ तो उनका भावार्थ इसी रूप में है कि क्या जाति जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, तमाम तरह की जो दूसरी कमियां हैं हमारे समाज में, क्यों नहीं एक समता की स्थिति होनी चाहिए, क्यों किसी को विशेषाधिकार प्राप्त उसमें जो है स्थितियां प्राप्त हो, तो ये बड़े मामले रहे हैं। और देखिए यहाँ पे तो स्वामी चक्रपाणि जी को मैंने कई बार देखा है इस मामले पर संघर्ष करते हुए, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तो चक्रपाणि जी अब कभी नहीं जाते। अच्छी चीज बता, चक्रपाणि जी पर जा रहे हैं, उनके पास आऊंगा, लेकिन आर राजगोपाल जी जो वरिष्ठ पत्रकार है वो हंस रहे थे, जब आपने अपनी बात की तो मैंने देखा कि वो मन मुस्कुरा रहे थे। सर राजगोपालन सर, बताइए आपकी मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि मेरे को तो एक पुराना मुहावरा याद आ रहा है कि सर मुड़वाते ही ओले पड़ गए, तो ऐसा नहीं कि गठबंधन अभी अभी बना और उसके बाद देखिए इस तरह की बयानबाजी। ये राजनीतिक प्रेरित है, कल मुंबई में जितना झगड़ा हुआ, जितना मतभेद है, उसको परिक्रमा करने के लिए स्टालिन का बेटा मिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने ऐसे बयान दिया, नंबर एक। नंबर दो है, तमिलनाडु स्थिति का खुशबू सुंदर और विस्तार से एक्सप्लेन करेगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि खुशबू सुंदर तमिलनाडु से आती है। एंड सेकंड थिंग, तमिलनाडु में स्थिति ऐसे है, आर एन रवि साहब गवर्नर जो बिहारी है वो सनातन को बोल रहे हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण करने टाइम पर उदयनिधि का बोला है मैं सत्ता का संभालूंगा, इंडिया का जो यूनिटी डाइवर्सिटी सबको मैं संभालूंगा, शपथ ग्रहण समर में किया है, लेकिन उनको उल्टा जेनोसाइड की बात कर रहे उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन भड़का रहे हैं क्योंकि उधर तमिलनाडु में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गया, कल की स्थिति है कम से कम 50 मर्डर हो रहे हफ्ते में, खुशबू सुंदर विस्तार से बोलेगी, नंबर एक। नंबर दो है, गवर्नर का जो हर मंदिर में जाने का डीएमके विरोध कर रहे उधर, सो गवर्नर का स्टालिन का बीच में झगड़ा है। सेकंड थिंग, उदयनिधि स्टालिन का पिताजी एमके स्टालिन चीफ मिनिस्टर है, 8 करोड़ तमिलियन का चीफ मिनिस्टर है, दीपावली टाइम पर वो तमिलनाडु में दीपावली का ग्रीटिंग्स नहीं देते हैं क्योंकि वो हिंदू फेस्टिवल है। अच्छा। लेकिन कल कहां खुशबू सुंदर को पूछो, खुशबू सुंदर जवाब देगी, क्योंकि बात के बाद मुझे जाऊंगा मैं। हाँ। सुनो एक सेकंड, मुझे तो टाइम दे दो यार, वेट करो। हाँ। स्टालिन कल परसों ये कह रहे थे मलयालम केरला में। हाँ। उनकी न्यू ईयर डे है। हाँ। ओनम है। हाँ। उसको मलयालम में जवाब दे रहे, तमिल में नहीं बोल रहे, इंग्लिश में नहीं बोल रहे, हिंदी में नहीं बोल रहे, मलया इसका प्यार है लेकिन हिंदू विरोध तत्व है। सेम डीएमके ने लॉर्ड राम इंजीनियर है जो उदयनिधि स्टालिन का ग्रैंडफादर करुणानिधि ने पूछा था राम सेतु झगड़ा पर, डी आर बालू मिनिस्टर थे, एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। राम इज अ मिथ। ये क्या है, ये आजकल इंडिया चंद्रयान में पहुंच गया, डिजिटल इंडिया में पहुंच गया, या इसे उदयनिधि स्टालिन का बयान है 100 साल पीछे कर रहे। आजकल उदयनिधि स्टालिन का तमिलनाडु में नीट एग्जामिनेशन के ऊपर डीएम के पीछे हट रहे, उसको बड़कड़ा में उसको पर्दा लगाने के लिए कार्यक्रम कर रहे उदयनिधि स्टालिन। मुझे लगता है वो इस्तीफा दे करके
खूब देंगे राजनीतिक पर, क्योंकि जेनोसाइड का कोई केस फाइल किया आज आपने रिपोर्ट में दिखाया हिमांशु। मुझे लगता है उदयनिधि का स्टालिन में मध्य प्रदेश चुनाव में, राजस्थान चुनाव में, छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ेगा, ये नरेंद्र मोदी माना भी जा रहा है। खुशबू जी देखिए स्टालिन की तरफ से ये बयान दिया गया, अब लेकिन जो लोग देखते हैं वो देखते हैं इसे i.n.d.i.a की नजर से, यानी इंडिया गठबंधन की नजर से, और उनका ये कहना है कि आखिर इंडिया को सनातन से इतनी नफरत क्यों है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो यहाँ पे मिनिस्टर हैं, जो अनसेड बिन बोले गए हैं, बिन अनाउंस किए गए, जो हमारे डिप्यूटी सीएम का काम करते हैं उदयनिधि स्टालिन जी, वो शायद सनातना धर्मा और वर्णाश्रम धर्मा में कंफ्यूज हैं। वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि सनातन धर्मा जो बात करते हैं उसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। मैं तो ये उनको सलाह दूंगी कि थोड़ा तो अपना होमवर्क कर लें, क्योंकि वो भी आप देखें जब बात कर रहे हैं एक पेपर पे लिखा हुआ है, वो पेपर उनके पिताजी भी वही करते हैं, पेपर पे जो लिखा आता है वो बोल देते हैं, बाद में ध्यान आता है कि अरे यार ये तो गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उदयनिधि स्टालिन भी वही कर रहे हैं कि जो पेपर में लिख के दिया है वो बोल रहे हैं, और उसके बाद में बहुत ताजुब की बात यह है कि ये जानते हुए भी कि बात जो कही गई है वो बिल्कुल गलत कही गई है, उसके बावजूद सीना तान के अपनी गलती का वो एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझसे गलती हुई नहीं है। मैं कहूंगी कि अगर उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि मुझसे गलती नहीं हुई है, और अगर आप सनातन धर्मा जो हमारा नेचुरल और बिल्कुल बेसिक वे ऑफ लिविंग लाइफ है, वो सिर्फ हिंदुइज्म की बात नहीं करता है, जो सनातन धर्म है वो इंक्लूसिव दुरुस्त होनी चाहिए कि ना होनी चाहिए। खुशबू जी बहुत कुछ जी, मैं आप बोल रहे थे भाई साहब राहुल जी आप बोल रहे थे, मैंने आपको बीच में टोका नहीं, एक बार मैं बोलूं अपनी बात खत्म करूं, बीच में अपना डाल दिया है कि जब भी आप लोगों से ये बात कही जाती है, कोई बात होती है, तो आप बीच में टोक लगा लेते हो ताकि हम अपनी बात आगे ना रख पाए। बहुत ही दरख्वास्त करूंगी कि आप जरा चुप रहे, शांत रहे, मुझे अपनी बात खत्म करने दें। तो ये सनातन धर्म जो हम कहते हैं वो इंक्लूसिव है। आज बताइए हिंदुस्तान में हिंदू के अलावा हिंदुस्तान का धर्म कौन सा माना जाएगा? लेकिन यहाँ पर हम देख चुके हैं मुसलमान प्रेसिडेंट, हम देख चुके हैं, हम यहाँ पर एक सिख प्रधानमंत्री देख चुके हैं, हम जो यहाँ पर है इंक्लूसिव हिंदुस्तान जो कहा जाता है। भाई साहब आप बोल रहे, मैं बोल लूँ? राहुल जी सुन लीजिए, देखिए आपके पास आऊंगा ना, है ना, आप बीच में बोल क्यों रहे हैं? जब सही बात रखी जाती है तो अपनी गलत बात को सही साबित करने के लिए आप लोग बीच में नोकझोंक करते हैं। राहुल जी मैं भी बोलूंगा बीच में, राहुल का बीच में ये क्या करते हैं? राहुल जी देखिए राजगोपालन से भी नाराज हो रहे हैं, लोकेश जिंदल देखिए एक मिनट राहुल लाल जी आप राहुल लाल जी सुनिए मेरी बात, एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। राहुल लाल जी आप पहले भी कई बार बैठ चुके हैं और मैंने आपसे ये बात कही है, राजगोपालन जी ने भी किसी के बारे में नहीं बोले, लोकेश जिंदल जी देखिए शांत हैं और जब आएंगे उनके पास तब वो अपनी बात रखेंगे, तर्कों के साथ रखेंगे, लेकिन अभी रुकिए, पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। चक्रपाणि महाराज जी अभी रुके हुए हैं, खुशबू जी बात पूरी कीजिए प्लीज। राहुल जी एक मिनट, मैं आपके बारे में बोलूंगा। हिमांशु इन सबका प्रॉब्लम यही है, जब इनको जब सही बात सामने रखी जाती है तो ये अपने झूठ को और अपने गलत को सही साबित करने की कोशिश करने में आप बीच में बोलने लगते हैं। तो मेरे ख्याल से राहुल जी कुछ गलत मतलब वही कोशिश कर रहे हैं, जब सही बात सामने रखी जा रही है तो उसकी बात हम करते हैं, कि यहाँ पर जो है वो जो एक गलत फहमी का शिकार होके बैठे। मैं तो यही कहूंगी कि आज तमिलनाडु में जिस तरह से पिछले 3 साल में हम कह रहे हैं कि डीएमके जो एक गवर्निंग बॉडी है वो जिस तरह से फेलियर हुई है, जैसे राजगोपाल जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे जो चीफ मुख्यमंत्री हैं वो दिवाली के वक्त यहाँ के लोगों को एक ग्रीटिंग्स भी नहीं देते हैं कि चलिए आपको दिवाली है जो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी शोर शराबा से मनाई जाती है, यहाँ पर तमिलनाडु में हम हर लोग दिवाली मनाते हैं, उनको एक ग्रीटिंग तक नहीं दी जाती है, और आप ओणम पे जो केरला का फेस्टिवल है वहां पे मलयालम में आप उनको ओणम की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो हमारे तमिलनाडु के लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है, आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आप उनको शुभकामनाएं क्यों नहीं दे सकते हो? और अगर आपका यही कहना है कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू है, मलेरिया है, कोविड है, कोरोना है, उससे आप तुलना करते हैं, तो मैं कहूंगी कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और हमारे जो बिन बुलाए
उप मुख्यमंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन, वो ओपनली कहने कि हमें हिंदू वोट्स नहीं चाहिए, हम तो बस बिल्कुल ठीक है, हम एक एक मंदिर आज तमिलनाडु में बंद करवा रहे हैं। और यहाँ पर जो राजराजे चोलन की बात करते हैं, जिन्होंने सबसे पहला मंदिर हिंदुस्तान तमिलनाडु में बनाया था, वो कह रहे हैं कि हम हर मंदिर बंद करेंगे और हमें हिंदू वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगी, जानकारी दे दी और स्पष्ट की बात की, और ये राहुल यादव लोकेशन तक पहुंचेंगे, उन समय जवाब दूंगा। लेकिन चक्रपाणि महाराज, चक्रपाणि महाराज, कोई और से मंदिर नहीं जाएंगे जी, ठीक है। चक्रपाणि महाराज, साधु संत समाज बेहद आहत है और ये बयानों से हमने देख भी लिया है, आपको क्या लगता है एक बड़ा गड्ढा खोद लिया है गठबंधन ने? देखिए, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, वही हालात यहाँ पे है। आप देखिए, जो हिंदू सनातन धर्म ने वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया, सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी पूरे विश्व को अपना परिवार माना, सब में अपना देखा, उस हिंदू सनातन धर्म को कह रहे हैं कि ये डेंगू है, ये मलेरिया है, या जो है संक्रामक है, यह तो पूरे मानव समाज को अपमानित किया है, कलंकित किया है। गलती इनमें नहीं है। देखिए, हिमांशु जी जैसा मूल वैसा फूल होता है। इनके पिताजी स्टालिन खुद ही मंदिर तोड़ने का काम करते हैं और तोड़ने के बाद अपने को गर्वांगित महसूस होते हैं कि हमने हाँ मंदिर तोड़ा। उसी प्रकार से जैसा मूल वैसा फूल ये भी उस तरह के बयान दे रहे हैं। वास्तव में ये हिंदू या बीजेपी से लड़ते लड़ते, मोदी जी से लड़ते लड़ते, ये कब राष्ट्र से लड़ने लगते, कब हिंदू सनातन धर्म से लड़ने लगते, ये खुद कंफ्यूज लोग हैं। कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया और जिन बातों को खुद न समझा औरों को समझाया। बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है खुशबू सुंदर जी, बिल्कुल सही बोल रही थी कि ये खुद कंफ्यूज है, उनको पता ही नहीं कि हिंदू सनातन धर्म क्या है, तो इसलिए प्रवचन दे रहे हैं दूसरे को। आप बताइए, इनकी कितने यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी कितने मलेच्छ आए, कितने आक्रांता आए, हिंदू सनातन को मिटाने वाले खुद मिट के चले गए। अब ये स्टालिन के पुत्र जो है आकर के अब सनातन की सुपारी ले रहे हैं, तो इन ये खुद ही लोकतंत्र में देश की जनता इनकी धज्जियां मार करके इनको उखाड़ देगी। ठीक है, आपने बोला कि जनता इसका जवाब देगी, लेकिन गठबंधन में राहुल गांधी की विचारधारा को, देखिए राहुल गांधी ने एक अपनी छवि बदलने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कश्मीर टू कन्याकुमारी यात्रा भी करी, लोगों से जुड़ने का प्रयास भी किया, हर किसी को साथ में लेने की कोशिश करी, एक छवि एक अलग बनाने की राहुल गांधी ने कोशिश की जब उन्होंने मोहब्बत की दुकान की बात की। लेकिन ये एक सही मौका था जब राहुल गांधी लीड कर सकते थे, आते मंच पर बोलते कि ये गलत बयानबाजी है, खामोश क्यों है राहुल गांधी, उनको आना चाहिए ना। देखिए हिमांशु जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे समाज में जाति व्यवस्था जो है और जिस तरह से जाति के आधार पर द्वेष के या द्वेष किया जाता है या भेदभाव किया जाता है, ये बहुत ही निंदनीय है। और कांग्रेस शुरुआत से ही कहती आई है कि धर्म के आधार पर द्वेष हिंसा फैलाना ये बहुत गलत है और इसका कभी भी समर्थन नहीं करेगी। यहां इस पूरे मुद्दे में जाति और धर्म ये दोनों को मिक्स किया जा रहा है। सनातन धर्म का जो दर्शन शास्त्र है, जो एक मिनट महाराज जी, मुझे मेरी बात रखने दीजिए, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। चक्रपाणि जी सुन लेते हैं, फिर मैं आपके सामने आपको लाऊंगा, एक बार इनकी बात हो जाए फिर आपके सामने आपको लाऊंगा। एक मिनट, हाँ लोकेश जी, लोकेश जी बोलिए। उसके लिए आपने सनातन धर्म के लिए राहुल जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वरिष्ठ नेता ने उसकी निंदा नहीं की, क्यों? क्योंकि अच्छा समाज लगा में, क्योंकि राहुल जी खुद ही बोलते हैं कि पुजारियों का देश नहीं है। एक पॉइंट निकल के आ रहा है, खुद ही बोलते हैं कि पुजारियों का देश नहीं है, बड़ा बोल रहे हैं। भगवान राम को काल्पनिक बोलते हैं, हिंदू सनातन के खिलाफ आप लोग का एजेंडा चल रहा है, तो ऐसे थोड़े चलेगा देश में। सभी धर्मों में एक मत देखना, ये सनातन धर्म की खूबी रही है। समान सनातन धर्म ने स्वयं कहा है कि सभी धर्मों के जो रास्ते हैं वो भिन्न भिन्न अवश्य हों, लेकिन सब जाते ईश्वर की तरफ है। बहुत अच्छी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सभी धर्मों को एक ही निगाह से देखें, सभी धर्मों को भेदभाव ना रखें। देखिए ना, लेकिन आप कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी तो एक फर्क देता है। और वो भी उस वक्त जब आप लोगों की बैठक हो रही है, सब लोग एक जुट हो रहे हैं, उसके बाद आपके साथ इस तरह का बयान देते हैं। मैं इस बात से आपके साथ सहमत हूं कि इस तरह के शब्दों का चयन नहीं किया जाना चाहिए, जिससे किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति तो लीड करके सामने आके इसका विरोध तो करना पड़ेगा ना। आप यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन आपका नेतृत्व भी खुलकर सामने आना चाहिए ना। हिमांशु जी देखिए, एक बार भी निंदा नहीं की उसका स्टालिन का। मैं तो चक्रपाणि जी से सवाल पूछ रहा हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए, लोकेश जिंदल जी बताइए,
बताइए क्या राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी आएंगे खंडन करेंगे इसका? हिमांशु जी, क्या राहुल गांधी जी ने इस बात का समर्थन कभी किया है? कभी नहीं किया। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, एक बात का जवाब दीजिए। राजगोपालन जी भी सुन रहे हैं और ये सभी लोग सुन रहे हैं, मुझे ये बताइए अगर आने वाले वक्त में आपकी सरकार बन जाती है, सारा ये गठबंधन की सरकार बन जाती है, उसके बाद बीच बीच से ऐसे बयान आने लगे तो वो किसके तौर पर देखे जाएंगे? आप तो ऐसे हाथ रख लेंगे कि भैया उनका व्यक्तिगत है, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन जनता पर क्या संदेश जा रहा है ये बताइए। देखिए हिमांशु जी, ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर बयानबाजी करते हैं तो कानूनन तौर पर उन्हें इसका खामियाना भुगतना पड़ेगा। अरे तो कानूनन आप ये सोचिए ना, ये गठबंधन पर एक डब्बा है। सेक्शन 504 आईपीसी की धारा क्लियरली ऐसे किसी भी बयान को एक पनिशेबल ऑफेंस मानती है। आप कंप्लेंट करेंगे इसकी? की जाएगी, आप कंप्लेंट करेंगे इसकी? कानूनन जो है इसका दंड भुगतना पड़ेगा। आप कंप्लेंट करेंगे? आपके साथ ही तो क्या हुआ? मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार के पास इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन में क्लियरली लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल करेंगे, देश की 80% आबादी को नाराज करेंगे, बयानबाजी करता है तो उसका जो है, नहीं नहीं आप सुनिए मेरी बात को, मैं तो चाहूंगा केंद्र सरकार क्यों नहीं कदम उठा रही है? अरे तो आपका इलेक्शन कमीशन फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? कोई आपके साथी है उनको समझाने का? हिमांशु जी फर्ज छोड़िए, कानूनन प्रक्रिया बनती है। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब आप लोग गलत को गलत देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेंगे? केंद्र सरकार गलत को गलत देखते हुए आंखें बंद कर लेंगे? इलेक्शन कमीशन इसका ड्यू कॉग्निजेंस ले सकता है? अरे देश पूछ रहा है मोहब्बत की दुकान के मालिक खामोश क्यों है? अरे मोहब्बत की दुकान के मालिक खामोश क्यों है? शटर लग गया दुकान का, शटर लग गया क्या? इनके इरादे बिल्कुल साफ नहीं है। ये हमने कभी भी ऐसे किसी भी स्टेटमेंट का समर्थन नहीं किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था चुप क्यों है? अरे कानून व्यवस्था मतलब आप देख रहे हैं कि गलत हो रहा है, आप देख रहे हैं गलत हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कानून का फैसला हो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा साथी है, हम तो मुंह पर पट्टी बांध लेंगे, ये क्या बात है? हिमांशु जी मैं तो कहता हूँ कानून प्रक्रिया करी जाए, इलेक्शन कमीशन इस बात का ये ना कर रहे, कांग्रेस इनिशिएटिव लीजिए, खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रही है। जो आपके गठबंधन को पीछे धकेल रहा है, गड्ढे में ले जा रहा है, उसको बाहर करिए, कर पाएंगे? हिम्मत है जी, मुझे एक बात बताइए, क्या हम इलेक्शन कमीशन या फिर केंद्र से सरकार हमारी थोड़ी है कि हम इस तरफ से कुछ नहीं करेंगे? गलत को देखते हुए आप आंखें बंद कर लेंगे? राहुल लाल जी बताइए अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका विरोध क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए मैंने तो पहले कहा कि देखिए शब्दार्थ पे क्यों जा रहा है, उसके भावार्थ पे जाइए ना, मैं तो भावार्थ समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मैं तो मुझे तो बहुत दुख एक बात बताइए, देश की 80% आबादी ये शब्द देखेगी, भावार्थ देखेगी। मैं कह रहा हूँ कि सनातन के शुद्ध संस्कृति के लिए यह संघर्ष है कि शुद्ध सनातन की वापसी हो, शुद्ध सनातन की वापसी। आप सनातन को डेंगू मलेरिया कोविड कोरोना से तुलना कर रहे हैं, है ना? फिर बोले कि आप हमारी भावनाओं को समझिए, देश आपकी भावनाओं को ऐसे नहीं समझेगी। राजगोपालन जी मैं तो सवाल उठा रहा हूँ, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दूर हिंसा के मामले को मुझे एक बात बताइए, एक मिनट राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक है आप, राजनीतिक विश्लेषक है ना राहुल जी, खुशबू जी एक मिनट राहुल जी आप राजनीतिक विश्लेषक है, मुझे एक बात बताइए, अभी जब इन लोगों के मन नहीं मिल रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या उम्मीद करेगी देश की जनता इनसे, ये बताइए? एक दूसरे की टांग खींचेंगे, बयानबाजी देंगे, फैसले लेने में सक्षम नहीं होंगे, क्या उम्मीद करेगी जनता ये बताइए आप? और आप उम्मीद करेंगे? हिमांशु जी टीम इंडिया बिल्कुल मजबूत है, वहां पर कोई विवाद की स्थिति नहीं हुई, और आपको दिखेगा 450 सीटों पे वन टू वन लड़ाई करते हुए। मुद्दे का जवाब नहीं देंगे खुशबू सुंदर जी, मुद्दे का जवाब नहीं है, बाकी सब है। मेरे लिए मुद्दे का जवाब है, है कौन क्या फैसले लेगा, कौन किसकी टांग खींचेगा, कौन कुछ भी करेगा? हिमांशु जी ये अभी की बात नहीं है, ये एक मिनट राहुल जी वक्त दिया खुशबू सुंदर। हाँ हिमांशु जी मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ, मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि यही बात जो अभी इतने बड़े लोकेश जी कह रहे हैं कि हम इस बात के से सहमत नहीं है, ये उनकी पर्सनल व्यू है, लेकिन मैं तो उनको ये याद दिलाना चाहूंगी लोकेश जी कि आपके तमिलनाडु के चीफ KS अड़िगिरी जी ने पिछले साल कहा था पार्टी अलायंस का एजेंडा है सनातन धर्म को बिल्कुल जड़ से खत्म करने का, ये आपके कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट KS अड़िगिरी साहब का। अरे अभी फिर कह देंगे भावार्थ समझिए, अभी फिर कह देंगे भावार्थ समझिए। हाँ तो ये तो
स्टेटमेंट था, मेरे ये समझ में नहीं आता है कि आपके जो एक पूरी जो आज आप गठबंधन की बात करते हैं, आपके गठबंधन में एक कहता है, आपके कांग्रेस पार्टी के स्टेट लीडर कहते हैं कि ये एजेंडा है हमारा सनातन धर्म को बिल्कुल जड़ से खत्म करने का। एक तरफ आज उदय दीदी ये स्टालिन ये कहते हैं कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया कोविड की तरह है, उसको जड़ से उखाड़ना चाहिए, रेडिकेट करना चाहिए, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि नहीं हम हर धर्म का समर्थन करते हैं, और जब इलेक्शन आते हैं तब राहुल जी अपना जनाव निकाल के कहते हैं मैं तो शिव भक्त हूँ। मेरे समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को इतना बहला क्यों रहे हो। खुशबू जी, सनातन धर्म का महत्व उसके दर्शन शास्त्र में है, उसकी सीख में है, उन वैल्यूज पे है जिसे स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व में लेकर गए। लेकिन आपने जिस सनातन धर्म को इस देश में प्रचारित किया है, जिस तरह से उसका पॉलिटिसाइजेशन किया है, उससे हमारे सनातन धर्म की छवि धूमिल हुई है। हम उस धूमिल छवि को सुधारना चाहते हैं। आपने जिस तरह तो बयान जो है ना आपके जो लीडर्स बयान देते हैं ना, ये नहीं कहते हैं, मैं कह रही हूँ डिवाइसिव पॉलिटिक्स कौन कर रहा है। एक राजगोपालन जी, हर चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी आ जाती है। राजगोपालन जी, हर चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी आ जाती है। पूजा पाठ में विश्वास करता हूँ, और जब देखिए मैं उसके बाद हर चुनाव से पहले इस तरह से गड्ढा खोदते हैं, गिर जाते हैं। माफी के साथ रोकना चाहूंगा।